सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर सी रेडी टू वियर साड़ियों का कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। आपको तो पता ही है कि रेडी टू वियर जो साड़ियाँ होती है वो हमेशा ट्रेंड करती रहती है। दो मिनट में आप झटपट से साड़ी पहन के तैयार हो सकते हो, क्योंकि इसमें प्लीट्स आपको पहले से मिल जाती है, हुक काज वगैरह सब कुछ मिलता है। तो आप फटाफट से दो मिनट में साड़ी पहन के तैयार हो जाओगे। और जिन लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता है तो उन लोगों की तो भाई बल्ले बल्ले हो। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। तो वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहली जो मैं आपके साथ साड़ी को शेयर करने वाली हूँ, ये वो है, ये रोज गोल्ड कलर की ये साड़ी आप देख सकते हो, वो है 813 रुपए। यस, 813 रुपए में मैंने ये साड़ी मंगाई हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज पीस दिखा दूँ, क्योंकि साड़ी का जो अहम हिस्सा ब्लाउज पीस होता है। तो ये देखो, तो ये रहा वो रोज गोल्ड कलर का ब्लाउज पीस। बिल्कुल सिंपल सा ब्लाउज है, बट इसका कपड़ा इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बस ऐसे फिसलने वाला जो सॉफ्टनेस होता है ना, वैसा वाला सॉफ्ट है कि मतलब फिसल जाए। जब साड़ी की बात कर ले तो आंचल तो भाई कैसे छोड़ दे हम। सबसे पहले हम आंचल देख लेंगे। तो आंचल कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोती लगी हुई है पूरी साड़ी में, जिससे इसकी खूबसूरती ना और भी ज्यादा बढ़ जा रही है। कलर के साथ ये मोती बहुत ही ज्यादा सुंदर सा दिख रहा है। उसके बाद जब हम साड़ियों की तरफ बढ़ते हैं तो आगे जो प्लीट्स बनेंगे ना, वो व्हाइट कलर के बनेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सुंदर सा दिख रहा है। जब आप इस साड़ी को देखोगे ना, तो इसमें आपको दो जगह टैसल मिल जाते हैं। इससे साड़ी का जो टाइटनेस है वो आप अच्छी तरीके से अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, बकरम लगा हुआ है ऊपर में पूरी साड़ी में कमर के पास। और यहाँ पे आपको साड़ी साइज में आपको यहाँ पे देख सकते हो हुक फंसाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है काज, आप कह पाओगे इसे। उसके बाद जब आप आगे जाते हो तो आपको यहीं पे प्लीट्स बनी हुई दिख जा रही हैं, और यहाँ पे है कुछ इस तरीके से फंसाने के लिए दिया गया है, जो कि आप वहां पे फंसा पाओगे इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे है प्लीट्स बनी हुई। तो बहुत ही ज्यादा औसम लगी मुझे ये साड़ी, खास करके इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो। अगर आप इसे मंगाना चाहते हो तो मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप है, आप डेफिनेटली ये वाला मंगा सकते हो। ओके, सो गाइस, जो सेकंड साड़ी है मेरे पास वो है ये बहुत ही सुंदर सी रेड कलर की साड़ी। ये भी रेडी टू वियर साड़ी है, जैसा की आप देख पा रहे होंगे। और इसकी जो प्राइस है ना, वो है 772 रुपए। बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, अगर आपको कोई और पसंद आता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ी। लेकिन साड़ी दिखाने से पहले ना, मैं आपको ब्लाउज दिखाना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि इसका जो ब्लाउज का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है, आप देख सकते हो। तो ये 8 सिल्क कपड़े में आपको मिल जाता है ब्लाउज का कपड़ा, इसमें कोई भी वर्क नहीं है, ब्लाउज की क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट मैं अब आपको साड़ी की तरफ दिख जाऊं, तो साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो साड़ी है वो आप देखो, तो साड़ी कुछ इस तरीके से आपको मिल जाती है। यहाँ पे आप अपना हुक फंसा सकते हो, एंड जब आप आगे जाते हो ना, तो यहाँ तो कमर के पास आपको पूरी तरीके से बकरम लगा हुआ मिल जाता है। इससे जो साड़ी है ना, वो काफी अच्छे से फिटिंग और टाइट आती है यहाँ पे। उसके बाद आगे जाने के बाद जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे से प्लीट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लीट्स हैं इसमें। और यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एंड जब हम आगे जाते हैं आंचल की तरफ, तो सेम है साड़ी, कहीं ज्यादा कुछ वैसा है नहीं। बट इसकी जो साड़ी की क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि एक अलग सा साइन है इसमें, एक कलर ऐसा है कि आप अगर नई दुल्हन हो तो भी आप पहन पाओगे, आपको साड़ी पहनना नहीं आता है तो भी आप पहन सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हो गए हैं भाई रेडी टू वियर साड़ियों से। ओके, सो गाइस, जो तीसरी साड़ी है मेरे पास वो है ये रेडी टू वियर साड़ी ब्लैक में, और इसमें लाइट कलर होता जा रहा है ग्रे की तरफ, और इसमें ढेर सारे कलर ऑप्शंस हैं, तो आप कोई और भी चूज कर सकते हो। इसकी जो प्राइस है वो है 585 रुपए। तो चलो देख लेते हैं कि साड़ी कैसी आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका ब्लाउज देख लो, ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है। मैंने ब्लैक कलर इसलिए चूज किया है कि कोई सा भी आप कलर का साड़ी लेते हो ना इसमें, तो ज्यादा करके आपको ब्लैक कलर की ब्लाउज ही मिलेगी, तो इसलिए मैंने साड़ी भी इसी तरीके का सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये 8 सिल्क का ब्लाउज है, पूरे 80 सेंटीमीटर का आपको मिल जाता है, इसमें कहीं कोई वर्क नहीं है, पूरी की पूरी प्लेन ब्लाउज है, आप किसी और साड़ी के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है साड़ी की, तो चलो साड़ी देख लेते हैं। तो साड़ी की तरफ जब मैं जा रही हूं, तो मैं आपको दिखा दूं सबसे पहले यहां से। तो यहाँ पे आपको कोई टैसल वगैरह तो मिल नहीं रहा है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे काफी कड़ा सा बकरम मिल जाता है, जो कि कमर के पास काफी अच्छी फिटिंग देगा आपको। और यहाँ पे आपको ढेर सारे काज मिलते हैं, आपकी जो भी कमर की फिटिंग है आप उसे आराम से सेलेक्ट करके पहन सकते हो, बहुत लंबा सा है।
तो आप डेफिनेटली चूज कर पाओगे अपनी साइज। और उसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे अगेन प्लीट्स मिल जाते हैं। ये देखो काफी अच्छे से फिनिशिंग के साथ आपको यहाँ पे प्लीट्स मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको ये हुक मिल रहा है जिसे आप फंसा सकते हैं। उसके बाद जो हम साड़ी की तरफ आगे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल प्लेन आंचल मिलता है कुछ इस तरीके का। साड़ी जो है पूरी प्लेन है, बस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। कलर की बात करूँ ना तो कलर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। ग्रे कलर तो पता ही है ना आपको कि कितना ज्यादा चल रहा है आजकल, एक अलग ही लुक देता है। पूरी साड़ी प्लेन है, कहीं आपको कोई वर्क नहीं मिलता है, बट साड़ी की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा औसम है। तो अगर आप मंगाना चाहते हो इस प्राइस में, साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, दो मिनट में आप पहन के तैयार हो सकते हो किसी भी पूजा पार्टी फंक्शन के लिए। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट साड़ी। ओके सो नेक्स्ट साड़ी जो है मेरे पास, उसका ब्लाउज पीस आप देख लो, अगेन ब्लैक कलर का आर्ट सिल्क में आया हुआ है, पूरी प्लेन ब्लाउज है, क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद जब मैं आपको दिखाऊं साड़ी, तो साड़ी ये रही। तो अगेन ये कुछ इस तरीके की प्रिंटेड साड़ी है, फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, पूजा वगैरह के लिए ले सकते हो। साथ ही अभी होली आ रही है ना, तो होली के लिए तो भैया मस्ट बाय है ये वाली साड़ी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अलग लुक दे रही है, कलर वाला लुक दे रहा है। न्यू ब्राइड्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी ये साड़ी। तो आप यहाँ पे देख लो, अगेन आपको यहाँ पे बहुत कड़ा सा बकड़म मिल रहा है जिसे आप काफी अच्छे से फिटिंग दे सकते हो अपने कमर के पास। ढेर सारा आपको यहाँ पे साइज के लिए मिल जाता है, इतना लंबा सा आपको मिल रहा है साइज के लिए। आप कितने भी मोटे पतले हो आराम से आपको सेट हो जाने वाला है। उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो ये सबसे पहले तो आप जान लो कि ये पूरी साड़ी प्रिंटेड साड़ी है। इसकी जो प्लेट्स है वो भी ढेर सारी प्लेट्स है और काफी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनी हुई है, जितना कि आप अच्छे से बना भी ना पाओ, इतनी बढ़िया तरीके से बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको पीछे अगेन हुक मिल जा रहा है। और उसके बाद जब मैं आंचल की तरफ जाऊं तो सेम आपको यहाँ पे आंचल मिल रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंटेड। तो अगर आप जल्दी जल्दी में रेडी होना चाहते हो तो ये साड़ी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। रेडी टू वियर साड़ी है, क्या कि हल्की सी साड़ी है, बहुत ज्यादा हल्की फुल्की सी साड़ी। जो लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता वो कैरी कहाँ से कर सकेंगे साड़ी, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये साड़ी बनाई गई है ताकि वो अच्छे से कैरी भी कर ले साड़ी को और फटाफट दो मिनट में पहन भी ले। तो इससे पहन करके ना आप काफी लंबे समय तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आप रह सकते हो दिन दिन भर अपने ससुराल में, कहीं भी पूजा पाठ। सो गाइज ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। हो किसी वीडियो की रिक्वेस्ट या हो कोई भी सजेशन मेरे लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए बाय बाय।